यह वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, धन्यवाद। यार क्या करूँ, कॉलेज खत्म हो गए, पढ़ाई और होगी नहीं, जॉब करूँगा नहीं, पापा के साथ करूँगा तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। क्या करूँ आइडिया, कुणाल को फोन करता हूँ, उसके पास जरूर कुछ आइडिया होगा, उसके भी कॉलेज खत्म हो गए। हेलो ब्रो, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? बस भाई मैं जा रहा हूँ अभी स्टार्टअप करने। अच्छा, क्या करेगा? वो तो अभी तक सोचा है नहीं है, पूछ रहा हूँ, पहले बापू से परमिशन तो ले लूँ। हाँ मेरे शेर, मैंने सोचा तूने सब कुछ प्लान कर लिया होगा, तुम्हें परमिशन नहीं मिली है। अबे तो उसमें क्या है, मैं अभी जाऊँगा अपने बाप के पास और बोलूँगा बापू समझ में आए तो ठीक, वरना समोसे के साथ चोक लो और अपनी धो लो। मैं जा रहा हूँ स्टार्टअप करने। तेरा सही है, कितना प्रैंक है तेरा बाप, तू डायलॉग दे के बोले तो फिर भी वो मान जाएगा। अब इसे क्या बताऊँ, मानेगा कि मारेगा। ओ क्या हो गया, क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं पैसे गिनने के लिए कितने आदमी रखूँ। ओ बिना बत्ती के दिए, पहले सोच तो सही करना क्या है। अरे एक मिनट भाई, आ गया, सुबह से रुका हुआ था, अब जाकर आया है। अबे साले, मुझे लगा आइडिया आ गया। अरे भाई ये आ गया है तो आइडिया भी आ ही जाएगा। सुन एक काम करते हैं, पानी बताशे वाले के पास में अपन पानी की बोतल बेचते। अबे ये सब सिर्फ टिकटॉक पे होता है, ज्यादा मत सोच। अभी कुछ बड़ा करना है यार। अबे बड़े से पहले छोटा करना पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर और दूध दूध से बनता है घाघर। पान की दुकान खोले, बहुत चलेगी, बेचने से ज्यादा उधारी हो जाएगी, खोलते से बंद करना पड़ेगी। तो स्टारबक्स जैसा डॉल कप्स खोलते हैं। सोच, स्टारबक्स कॉफी देगा 280 में और अपन वही कॉफी 100 रुपए में लोगों को पिलाएंगे, नाम भी होगा, पुण्य भी कमाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। वो US का ब्रांड और अपनी इंदौरी छाप, कुछ और सोच यार। साले परमिशन तो को पहले मिलेगी, और सोचने को मैं तो बोल रहा है मेडिकल स्टोर खोले। अबे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि खानदान में किसी ने नहीं की होगी, 2023% आया अभी। अरे कुछ नहीं, वो गलती से निकल गया। अरे भावना को समझ। अबे भावना भावना कोई नहीं, अपन सिर्फ दो रहेंगे, तीसरे पर्सन को बट्टर अट्टर नहीं बनाएंगे। अबे चूती है चोटी फेल, मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा था। अरे सॉरी, वो एक्साइटमेंट में इधर उधर निकल गया था। बोल आगे। वो दारू का ठेका खोले, पागल है क्या, दारू की दुकान खोलेंगे। दारू की दुकान के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है पता है? सोच, उसका लाइसेंस ही करोड़ों में आता, और फिर तू सोचेगा कि धूम पिक्चर की तरह अपन भी जाके बैंक लूट लेंगे। अपने कोई रोड का खड़ा हुआ बच्चा भी नहीं लूटा, बैंक का कार लूटे, असल दुनिया ऐसे नहीं चलती मेरे भाई। अगर तेरे को मेरे अगले स्टार्टअप के बारे में कैसे पता पड़ा, बैंक लूटने का? और वैसे दारू के अड्डे को छोड़, अपन एक काम कर दो, जिम के बाहर ना अंडे की रिट्टी लगाते। सोच, एक आदमी जिम से निकलेगा 4-5 अंडे खाएगा, और एक दिन में 50-60 लोग वहाँ से निकलेंगे। 50-60 × 4-5 250-300 अंडे अपन रोज के बेचेंगे, थोड़े बहुत गली मोहल्ले वाले भी आएंगे। सोच एक एक करके अपन कितना कमा लेंगे। अरे नहीं यार, जिम वाले लड़के देखते हैं तो मेरी एक्स याद आ जाती है। अबे तेरी एक्स कहाँ से है बुद्धि बात? भाई तू नहीं समझेगा मेरा दर्द, मैं जानता हूँ। वो एक 10 इंच के डोले वाले लड़के के लिए मुझे जोड़ गई, और जबकि वो इंजेक्शन लेता था। अरे भूल जा इसको, ये बता सुहानी का क्या हुआ? बहुत दिन चल रहे उड़ा रहे हो। कुछ नहीं, परसों हम जा रहे हैं। कहाँ? अरे उसके बेस्ट फ्रेंड ले, उसको बर्थडे गिफ्ट लेना है। वाह बेटा वाह, कभी अपने दोस्त को मोमोज भी नहीं खिलाए, उसके बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के लिए तू गिफ्ट दिलाने ले जा रहा है? अरे भाई मैं कहाँ दिला रहा हूँ, वो तो मैंने उसे विंजो ऐप के बारे में बताया। ये विंजो क्या है? तुझे विंजो के बारे में नहीं पता? रुक मैं तुझे बताता हूँ। विंजो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन तरह तरह के गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, और इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें फैंटेसी लीग है। अगर अपन अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फैंटेसी लीग में अपन प्रेडिक्शन करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, और इसमें से अपन डायरेक्टली पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर अपने पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स है UPI या PayTM के थ्रू अपन डायरेक्ट अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। अरे बाकी इसमें बहुत टाइम लगेगा रे यार, देखो एक बार में डबल करने का है। तो एक काम कर, अक्षय भाई को फोन लगा और अनुराधा से जाके मिल ले। अरे उसको छोड़, अपन ना घास का काम चालू करते। देख घास खाएगी गाय, गाय देगी दूध, वो दूध भी बेचेंगे घास भी बेचेंगे, और कभी दूध फट भी गया उसका पनीर बना के बेच देंगे। सोच कितना प्रॉफिट होगा। हाँ यार भाई ये सही है, अलग ही फील आ रहा है।
डॉलर यूरो लंबी लंबी गाड़ी मजा ही मजा होगा। अभी ज्यादा मत सोच, मेरे को तो यही सही लग रहा है, अभी अंदर से अलग वाली फील आ रही है। हाँ मुझे भी। चल सुन ना, तू तेरे बाप को जाके बोल दे अपने जीडी बिजनेस के बारे में, बता कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं। ग्रांट को लात नहीं पड़े को परमिशन की जगह यार। चल ठीक है बाय, मैं बाद में बताता हूँ तेरे को। चाना तो पड़ेगा। पापा पापा मुझे स्टार्टअप करना है। उसके लिए मुझे थोड़े से आपसे पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, कुछ 2-3 लाख रुपए। इतने तो नहीं है। तो बाबा 1-2 लाख रुपए दे दो। इतने भी नहीं है। 50,000? नहीं दे पाऊंगा। मेरा लोन करा दो। इतनी तेरी औकात ही नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत लगा, जाके शर्मा जी के यहाँ नौकरी कर ले, मेरी बात करा देना। मुझसे नहीं होगा यार पापा, मैं नहीं करूँगा नौकरी वोकरी। मेरे को मेरा काम करना है, मेरा एक नंबर, मैंने बिजनेस स्टार्टअप सोच के रखा है, आपको मैं उसके बारे में आइडिया बताता हूँ। चल सुना। देखो वो कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ करना नहीं है, हम करेंगे घास का बिजनेस। उसमें हम खिलाएंगे घास गाय को, गाय देगी दूध, वही दूध हम बेचेंगे, दूध फट जाएगा तो पनीर बना के बेच देंगे। सो हे गाइस, बहुत लेट आई है मेरी वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जितनी भी वीडियो में जो भी सीन अच्छा लगे, वैसे वीडियो में को नहीं लगता कि इतनी खास बनी, क्योंकि पूरी वीडियो में सिर्फ मैंने अकेले ने मेहनत करी, कोई भी नहीं था मेरे साथ, जैसे तैसे मैंने बनाई है। और जो भी पार्ट पसंद आए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड, पीस एंड लव।